नमस्ते, आई एम जेबी डॉक्टर सपना गहलोत एंड माय सेशन इज ऑन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी चिंतन। भारतीय समाज में व्याप्त समाजवादी विषमताओं ने डॉक्टर लोहिया के चिंतन को बहुत ही प्रभावित किया। उनका समाजवादी चिंतन देश प्रेम तथा जन कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत है। वे ना तो मार्क्स से सहमत थे और न ही गांधी से। उनके दर्शन में एक प्रकार की ऐसी मौलिकता है जिस पर निर्भीकता एवं ईमानदारी की सोच मिलती है। उन्होंने भारत के प्रदलित तथा पिछड़े जातियों के बलिवादी देखा। उन्होंने पीड़ाओं को महसूस किया। वह उनके कल्याण के प्रति आबद्ध हो गए। ये कारण है कि डॉक्टर लोहिया का समाजवादी चिंतन उनके मानववादी दृष्टिकोण की एक सशक्त अभिव्यक्ति है। वे चाहते थे कि जाति, वर्ण, धर्म, वंश, लिंग, संस्कृति, संपत्ति आदि की भिन्नताओं से मुक्त एक ऐसी समाज व्यवस्था स्थापित की जाए जो धर्म से उद्भूत हो और व्यवहार से पुष्ट हो। वे भारत दर्शन व धर्म को उन अनेक कल्पनाओं व प्रलोभनों में नहीं आए जो आदमी को ईश्वर, आत्मा, मोक्ष आदि से जो जोड़ते हैं, पर आदमी को आदमी से अलग करते हैं। उनका समाजवादी चिंतन धरातल को चीज़ों को अधिक महत्व देता है। डॉक्टर लोहिया समाजवाद को समानता एवं संपन्नता के साथ जोड़कर उसे व्यवहारिक रूप देखना चाहते थे। डॉक्टर लोहिया के समाजवादी चिंतन में वे सभी तत्व पाए जाते हैं जो सामान्यतः किसी समाजवादी सिद्धांत में होते हैं, जैसे अन्यायपूर्ण समाज व्यवस्था की पहचान एवं उसके प्रति विद्रोह, नए व्यवस्था में विश्वास और उसका कार्यान्वयन, सामाजिक व राजनीतिक भ्रष्ट संस्थाओं एवं विषमताओं का अंत इत्यादि। डॉक्टर लोहिया का सामाजिक चिंतन पूर्णतः क्रांतिकारी और मौलिक था। उन्होंने सामाजिक विषमताओं को सभी अवस्थाओं की जड़ माना। उनके समाजवादी चिंतन का प्रमुख लक्ष्य एक और जाति व्यवस्था को विनिष्ठ करना अर्थात समता लाना और उसकी आर्थिक दरिद्रता पर अंत करना अर्थात गरीबी और अमीरी के व्यापक अंतर को समाप्त करना था। डॉक्टर लोहिया के समाजवादी चिंतन में जाति एवं वर्ग का उन्मूलन, आय तथा व्यय नीति का निर्धारण, अन्न सेना, भू सेना व भू सेना का संगठन, खेतीहर भूमि का समुचित पुनर्वितरण, आर्थिक विकेंद्रीकरण और राष्ट्रीयकरण अथवा संसाधनों का समाजीकरण प्रमुख तत्व है। वर्ण या जाति उन्मूलन से संबंधित डॉक्टर लोहिया के विचार सुस्पष्ट है। वे वर्ण या जाति को एक ही मानते थे। वे चाहते थे कि सामाजिक क्षमता की व्यवहारिकता के लिए इसका ध्वस्त होना जरूरी है। डॉक्टर लोहिया वर्ग उन्मूलन को जो जरूरी समझते थे, उनके अनुसार वर्ग उत्पत्ति का कारण केवल आर्थिक नहीं है बल्कि सामाजिक और बौद्धिक भी है। उनकी दृष्टि में दौलत, बुद्धि, स्थान के हिसाब से समाज में गिरोह बनते हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। डॉक्टर लोहिया ने संपत्ति पर आधारित वर्ग तथा विशेषताओं को समाप्त करने पर अधिक बल दिया। उनके अनुसार समाजवाद की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के मंत्री, जिलाधीश, कमिश्नर और अन्य बड़े बड़े अफसरों के खर्चीले और विलासितीपूर्व जीवन का दमन उतना ही जरूरी है जितना कि निजी क्षेत्र में सेठों, करोड़पतियों के ऐश आराम और फैशन वाले जीवन का। डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि आय समता 1:10 के अनुपात से निश्चित की जाए और शोषण रहित मूल्य नीति का निर्धारण भी हो। उनका तात्पर्य था कि एक और गौर गरीबी जब बहुत ही घोर गरीबी दरिद्रता और दूसरी असीमित अमीरी समानता के भेदभाव अथवा खाई को आय तथा व्यय के सीमाओं पर अंकुश लगाकर समाप्त किया जाए। डॉक्टर लोहिया के समाजवादी चिंतन में धनिक वर्ग के खर्च पर सीमा बांधना, उच्च पदाधिकारियों की आय व सुविधाएं घटाना, फालतू कर्मचारियों की छटनी करके वैकल्पिक रोजगार बढ़ाना, विदेशी वस्तुओं का आयाम कम करना, देश में निर्मित वस्तुओं का अधिकाधिक प्रयोग, करोड़पतियों के कारखानों का अनिवार्यता, राष्ट्रीयकरण, कृषि सुधार और भूमि का समुचित पुनर्वितरण प्रमुख सुझाव है। भारत के सभी नागरिकों को समुचित अनाज मिले, उनमें रोजी रोटी मिले और सभी नागरिक उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। डॉक्टर लोहिया का समाजवाद इन्हीं धरातल चीज़ों को चाहता था। उन्होंने घेरा डालो आंदोलन, अन्न बांटो आंदोलन, रोटी दो या जेल दो अनेक जन आंदोलनों का संचालन किया। अन्न का खूब उत्पादन करें,
उसका समुचित वितरण डॉक्टर लोहिया के समाजवाद का प्रमुख हिस्सा है। लोगों का अधिकार है कि उन्हें भोजन व अन्न मिले। उन्हें ये भी अधिकार है कि वे भुखमरी की स्थिति में अनाज के गोदामों को लूट लें। वे अपराध नहीं, समय की मांग है। कोशिश करके अनाज का हिसाब किताब भी रखना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने अपने समाजवादी चिंतन को व्यवहारिक बनाने के लिए भूमि के पुनर्वितरण पर भी बल दिया। उनकी भूमि संबंधी पुनर्वितरण की नीति थी अधिक से अधिक कम से कम जमीन के स्वामित्व का 1/3 का रिश्ता भी। डॉक्टर लोहिया जमींदारी प्रथा और सामंतवाद के कट्टर विरोधी थे। जमीन का समुचित पुनर्वितरण केवल द्वारा राज्य के कानून बनाकर किया जा सकता है। इससे भी आगे समाजवाद को व्यवहारिक बनाने के लिए उन्होंने भारत में आर्थिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि छोटी मोटी मशीनों पर आधारित उद्योग पद्धति मुल्क के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी आवश्यक है। डॉक्टर लोहिया के समाजवादी चिंतन के कुछ अन्य तत्व इस प्रकार हैं। संपत्ति का समाजीकरण किया जाए, जिसका सीधा अर्थ है कि संपत्ति के स्वामित्व द्वारा समाज कल्याण को अधिकाधिक कारगर बनाना और आर्थिक शोषण पर रोकना। श्रम के शोषण पर आधारित समस्त उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और समाजवादी व्यवस्था के लिए कृषि का भी राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन होना चाहिए ताकि संपत्ति के प्रति मोह की भावना और उसके कारण होने वाले अत्याचार, अन्याय और शोषण समाप्त हो जाए। सामाजिकरण या राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया से कोई क्षतिपूर्ति न की जाए। विकेंद्रित राष्ट्रीयकरण हो और राष्ट्रीयकृत उद्योगों की राज्य द्वारा समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सामाजिक स्वामित्व राज्य के लिए विभिन्न स्तरों, गांवों से लेकर संघ तक व्यवहारिक बनाए जाएं और उत्पादन पर समुचित नियंत्रण तथा आय का सही वितरण किया जाए ताकि सामाजिक विषमताओं का अंत हो।